माइंड यही है। पुलिस ने अभी तक 3 FIR दर्ज की है जिसमें अब्दुल मलिक का नाम भी है। पुलिस ने जिस जगह से अतिक्रमण हटाया है वह इसी के नाम पर है। हल्द्वानी हिंसा के मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की जा चुकी है। इसमें 16 लोग नामजद हैं, जबकि 5000 लोग अज्ञात हैं। अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 के करीब लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसकी लोकेशन हिंसा वाली जगह थी या नहीं इसकी जांच की जा रही है। अब FIR में अब्दुल मलिक नाम सामने आया है, उसे ही हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस ने जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है वह इसी के नाम पर है। अब पुलिस अब्दुल मलिक और अन्य साजिशकर्ताओं की तलाश करने में जुटी हुई है। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। देवर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। इन्वेस्टिगेशन है और जो एविडेंस कलेक्ट हुए सीसीटीवी और बाकी सब चीजों के आधार पर उसके भी आप हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक। कितने अभी डिटेन किए हैं, क्या और रेड्स वगैरह चल रही है सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए? कंटिन्यूस जो सस्पेक्ट आ रहे हैं जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं उनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगी हुई है, शीघ्र ही बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है या उसके सहयोगी कितने हैं? अब्दुल मलिक का भी नाम आ रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या रोल था उसका? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन एक दिन हुआ, इन्वेस्टिगेशन चलते हुए तो जितने तथ्य आ रहे हैं जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में जब एक टाइम निकलेगा, जब एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद में सब चीज़ों को जोड़ के देखा जाएगा कि सारे उपद्रव के पीछे कौन है और किसकी प्लानिंग के तहत ये हुआ है, तो उसके बाद हम कह पाएंगे कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। सर, अब्दुल मलिक की ही वो जगह थी जिस पर कब्जा किया हुआ था और सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, अब्दुल मलिक पे हम जानना चाह रहे हैं। ये बात सही है कि जिस जगह को तोड़ा गया था वो जगह का निर्माण अब्दुल मलिक के द्वारा ही नजूल भूमि पर करवाया गया था, तो अब्दुल मलिक के द्वारा इसका विरोध किया गया था। सर, इसमें पेट्रोल बम जिन लोगों ने फेंका, 6 से 7 लड़कों की भी तलाश है, क्या उनको भी चिन्हित कर लिया है? या ऐसे जितने भी लोग जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका है या पुलिस पे इलीगल वेपन से फायरिंग की है या पत्थरबाजी की है, सब लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सबके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या इनमें से कोई मेन आदमी पकड़ा गया है जो वीडियो में आया हो फेंकते हुए या गोली चलाते हुए? कुछ लोग हैं हमारे कब्जे में, उनसे हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनको बाकी चीजों में इन्वेस्टिगेशन शामिल कर रहे हैं।